नमस्कार। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, लेकिन निर्माण का नहीं, विनाश का। इसलिए आवश्यक ये है कि हमें अपना लक्ष्य सही रखना चाहिए। नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद पसंदीदा खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। रविवार की सुबह, छुट्टियों का दिन, हम सभी रिलैक्स मोड में, और इसी रिलैक्स मोड के साथ हम अपने कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ मेरी दोस्त प्रेरणा ने किया आज इस कार्यक्रम का आगाज़। और बिना देर किए हुए आइए मैं आपको लिए चलती हूँ अपने कार्यक्रम के अगले चरण में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं आज का सुविचार। कोशिश बस इतनी सी कि सुबह सवेरे आपके जहन में कोई प्यारी, कोई मीठी, कोई अच्छी सबक देने वाली बात डाली जाए, ताकि अगर उसे आप अपने ज़िंदगी में शुमार करें तो आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत और भी बेहतरीन बन बैठे। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। आज के हमारे दो खास मेहमान, प्रेरणा में क्या कहूँ, मुझे लगता है कि आज के दिन के बारे में बात करने के लिए इनसे बेहतर मेहमान तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजारा है इन्होंने इस फील्ड में और इन्होंने जाना है उसकी हर एक बारीकियों को। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे शानदार शख्सियत हमारे साथ इस कार्यक्रम में है तो सोचिए कितना खास और शानदार होने वाला है आज का कार्यक्रम। तो क्यों ना प्रेरणा, बिना देर किए तारुफ कराएं हमारे अपने आज के मेहमानों से दर्शकों को। बिल्कुल, आज हमारे साथ जो पहली हमारे साथ मेहमान है, एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, हम सब की चहेती, बहुत ही खुशदिल मिजाज, एक ऐसी शख्सियत, आप डॉक्टर रत्ना पुरकास्ता, पूर्व सहायक निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार दर्शकों, वर्ल्ड टूरिज्म डे के उस पर खास डे का आज है, तो उसमें मुझे बुलाया गया है। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं और बधाई। और दो खास जो यहाँ बैठी हैं एंकर, ये इनकी जर्नी भी इसी तरीके से टेलीविज़न से शुरू हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इनके सामने आज मैं बैठी हूँ और इनसे मैं बात करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए प्रेरणा और तन्वी जी। बिल्कुल, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपको सुनने का, आज आपसे सीखने का और बहुत कुछ जानने का मौका हमें मिला है। दर्शकों, जैसे हमने आपसे कहा था कि आज एक नहीं बल्कि दो खास मेहमान इस कार्यक्रम को बनाएंगे शानदार, और अब आइए हम तारुफ कराते हैं अपने अगले मेहमान से। अपने अगले मेहमान के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, कहते हैं कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर उस मानव जीवन को आपने दूसरों मानव की सेवा के लिए समर्पित किया तो शायद इससे खूबसूरत जीवन जीने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। हमारे जो अगले मेहमान हैं, आज के जो खासम खास मेहमान हैं, उनके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है समाज सेवा को, और साथ ही साथ TV से भी जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों बातों की वो जानकारी रखते हैं। बताते चले, आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अरशद खान जी, जो कि जाने माने समाज सेवी हैं और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका हमारे कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को नमस्कार, सुप्रभात, शुभ रविवार। मैं मोहम्मद अरशद खान, मैं आया हूँ आज बिहार विहान में, और आज के विषय में मैं इन वर्ल्ड टेलीविज़न डे के बारे में भी बताऊँगा जो मुझे जानकारी है। इससे पहले हम लोगों ने नेशनल प्रेस डे भी मनाया है 16 नवंबर को, आज 21 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड टेलीविज़न डे मना रहे हैं। जी बिल्कुल तन्वी, दो खास मेहमान और बातचीत की शुरुआत करनी है हमें, टेलीविज़न का दिन है, हमारे साथ रत्ना जी हैं। टेलीविज़न का जब भी नाम आता है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी अपनी बात हो रही है, बिल्कुल जैसे किसी अपनी चीज़ के बारे में बात हो रही है। आपका इतने लंबे वर्षों का, इतने लंबे वक्फे का आपका ये जो अनुभव रहा है टेलीविज़न का, क्या कहना चाहेंगे आज के खास मौके पर? प्रेरणा, जैसे लोग मायके में आते हैं और खुश होते हैं, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि ये कार्यस्थल जो रहा है वो मेरा मायके है। और ये जो है, मुझे लगता है कि टेलीविज़न जो है, जिसे हम लोग तो जहाँ काम कर किए हैं, हम लोग जहाँ बैठे हैं, वो दूरदर्शन है। और मुझे लगता है कि दूरदर्शन जो है एक विचार है, एक व्यवहार है, और मुझे लगता है कि जीवन में हम जो आज जो कुछ भी हैं वो हम सीखते हैं अपने इन सारे जो हमारे चैनल्स होते हैं, दूरदर्शन या आकाशवाणी, वहाँ से हम सीखते हैं।
क्योंकि घर जो है वो संस्कार देता है, उसके बाद आप स्कूल से सीखते हैं और स्कूल जो है आपको तैयार करता है कि आप किसी जगह पर जाइए और जाके अपनी प्रतिभा को दिखाइए। और मुझे लगता है कि दूरदर्शन एक ऐसी जगह है जो जहाँ पे आके आप अपने अंदर की जो कला है उसको ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारे अगर जितने चैनल्स हैं उसमें आप देखेंगे प्रेरणा या तन्वी आप लोग चैनल्स में, तो वहाँ पे देखेंगे दूरदर्शन जो है वो आपसे मतलब घर से जुड़ा हुआ है, आपके हर कार्य से वो जुड़ा हुआ, आपको कुछ ना कुछ वो सिखाता है और कुछ ना कुछ आपको देता है। तो मुझे लगता है कि इसकी परिभाषा जो है उसको किसी वाक्य में बांध पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक बृहद समाज, बृहद जो एक सोच है उसे हम अगर कहते हैं तो दूरदर्शन कहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि चैनल्स के उस पे हम नहीं बात करें, हम अपने पारिवारिक घर की बात करें, जहाँ पे आप देखेंगे कि शुरुआत जब हुई थी एशियाड के समय 1982 में जो टेलीविज़न जो आया था भारतवर्ष में, तो उस समय यहाँ पे जो पहली बार 1982 में खेल जो हुआ था तो उसमें दूरदर्शन आया था और पूरे मोहल्ले में एक सेट रहता था और पूरा मोहल्ला जो है वो आके कार्यक्रम देखता था। एक सांप्रदायिक सद्भाव की जो भावना होती थी, जो यूनिटी होती थी, वो बड़ा खूबसूरत दूरदर्शन उस चीज को और कह सकते हैं कि मजबूत किया था, उसे बल दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होता था कि जाते थे लोग देखने के लिए तो लगा कि अच्छा ये है क्या, ये एक बॉक्स जैसा है और इसके अंदर आदमी कैसे घुसा हुआ है। तो उस समय सोच हम लोग नहीं पाते थे, बहुत छोटे थे, लेकिन जिनके घर जाते थे वो उनके घर जाके हम लोग बैठते थे, बच्चे थे हम लोग, बैठ के नीचे बैठते थे और देखते थे, तो लगता था कि ये भी कोई एक दुनिया है जो कहाँ से ये लोग आते हैं उसके अंदर। फिर वो जो होता था आधे घंटे का कार्यक्रम वो चला जाता था, खेल का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आप जैसे जो एंकर होती थी वो समाचार वाचिका होती थी। और मुझे लगता है कि शब्दों को सीखने का जो है कि कैसे आप शब्द का उच्चारण करना है, कैसे आप अपने पहनावा रखना है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते थे, उसको कहते थे न्यूज़ रीडर या एंकर हम लोग देखते थे। तो हम लोग को लगता था कि ये तो हमारे बीच की कोई है, हमारे घर की कोई मासी है या हमारी बड़ी दीदी है या हमारा कोई भैया है, मतलब वो लगता नहीं था कि कोई वो बाहरी आदमी है, क्योंकि वो जब बात करते थे तो लगता था कि ये तो मेरी बात कुछ कह रहे हैं। तो ये जो दूरदर्शन का एक व्यवहार रहा कि लोगों तक, जन जन तक पहुंचने का, वो मुझे लगता है कि आज हम उसका स्वरूप देख रहे हैं बदलता हुआ, बहुत सारा कुछ बदला हुआ है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है उसको किस तरीके से हम लोग लेकर चले, कैसे हमारा रहा है गौरवकालीन इतिहास, उसको हम ये किए हैं। तो मुझे लगता है इसमें तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इतने वर्षों का मेरा अनुभव है, जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे तो ये जो नदी है वो धीरे 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 अपनी धारा के अनुसार हम लोग चलेंगे जाएगी, और मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे शब्द जो है वो लड़खड़ाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि आज भी मेरा वो बच्चा सा मन, जब मैं यहाँ आई थी रेडियो में पहले आई, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मैं बच्चों के कार्यक्रम में आती थी और वहाँ से मेरी जर्नी यहाँ तक की वो अद्भुत, मैंने हर दिन मुझे लगा कि मैं कुछ सीख रही हूँ और सीखते सीखते आज जो है मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे जब आई तो मैं गेट के अंदर घुसी और मैंने सबसे पहले वहाँ रुक के मैंने उस अपने गेट को मैंने प्रणाम किया कि यहीं से आज मैं हूँ, जो जो कुछ भी हूँ इसी ने मुझे दिया है। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो भी सीखी हूँ मैं, वो आज मैं समाज के लोगों को, आप जैसे लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिखा पाऊँ, या हाँ जो मैं सीखी हूँ लोगों से जुड़ना कैसे होता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे आप किसी की बीमारी सुन के, किसी के कुछ सुन के आप अपने आप पहल कीजिए,
क्योंकि आज की दुनिया में हम लोग कटते जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है दूरदर्शन जो है वो एक परिवार है। बिल्कुल, वो आपको हमेशा बताता है एक दूसरे जुड़ कर रहना। मैं सीरियल्स के बारे में कुछ बात करूंगी जब आगे हम लोग बात करेंगे। कह सकते हैं ना प्रेरणा कि एक परंपरा का दामन थामे हुए दूरदर्शन ने आगे के सफर को बढ़ाया है और बहुत ही खूबसूरत से उसे आपने यहाँ भी बताया, भी उस जर्नी को बताया। आते हैं अर्शद जी आपके पास, एक लंबे समय से देश के बाहर आपका रहना हो रहा है। अगर देश के बाहर की हम बात करें, विदेशों की बात करें, टेलीविजन को लेकर वहाँ किस तरह की संकल्पना है, लोगों का वहाँ किस तरीके का लगाव जुड़ाव कह सकते हैं कि टेलीविजन के प्रति है, क्या धारणा है उनकी टेलीविजन के प्रति? वर्ल्ड टेलीविजन डे पे सभी लोगों का स्वागत है। वहाँ ये जो वर्ड है टेलीविजन, ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से बना है, तो टेलीविजियो ये अब इसको हिंदी में दूरदर्शन बोलते हैं, लेकिन ये दूरदर्शन इतना सिनोनिम्स है कि ये सारे चीज़ को भी, अगर जितने भी चैनल्स हैं सभी को दूरदर्शन हम नहीं बोल सकते। ये राष्ट्रीय प्रसारण हुआ तो हम लोग इसको दूरदर्शन बोलते हैं जी। लेकिन ये सिनोनिम्स इतना हो गया है कि दूरदर्शन का मतलब सारे टेलीविज़न, तो ये एक अच्छी बात है। और हमारे कॉन्टेक्स्ट, बाहर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हर जगह का जो नेशनल टेलीकास्ट होता है, जैसे मैं जहाँ पे हूँ KSA में, वहाँ पे भी KSA1 KSA2 नाम का दो राष्ट्रीय प्रसारण होता है। तो जो बेसिक न्यूज़ जाननी पड़ती है जिसमें ऑथेंटिसिटी होती है, तो लोग प्रिफर करते हैं कि दूर KSA1 KSA2 को देखा जाए। जैसे कि यहाँ सब हिंदुस्तान में भी जो प्रिविलेज है, राइट है, वो दूरदर्शन के पास ही है। जैसे यानी अगर विश्वसनीयता की बात करें तो आधार दूरदर्शन को ही माना बिल्कुल बिल्कुल माना जाएगा। तो हम लोग जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का कार्यक्रम देखते हैं या कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, तो वो प्रिविलेज है, सिर्फ ऑथोरिटी है दूरदर्शन के पास ही कि वो एकदम विदाउट ये उसको दिखा सकते हैं। तो ये सब अच्छी बात है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि ये कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर सकते हैं आप थ्रू रिमोट, और रिपीटेबल भी है, रिपीट भी होता है। ये दूरदर्शन के इतिहास को अगर देखा जाए तो भारत में दूरदर्शन के इतिहास को, उसके सफ़र को किस नज़रिए से आप देखती हैं? जैसे कि मैंने बताया ना कि 82 में दूरदर्शन जो है, जिसे इडियट बॉक्स भी कहते हैं, कि वो जैसे अभी प्रेरणा ने बताया कि वो एक शटर वाला होता था टीवी उस समय, और उस टीवी के जैसे कार्यक्रम ख़त्म होता था तो हर घर में जब टीवी का दरवाज़ा बंद होता तो घर का दरवाज़ा जैसे बंद होता तो हम लोग समझ जाते थे कि अब उस घर से जिनके यहाँ टीवी है उनके यहाँ से अब हम लोग को प्रस्थान कर जाना चाहिए। तो ये था कि उस समय का था ब्लैक एंड वाइट, और मुझे लगता है कि तुम लोग वो जमाना देखी नहीं, ब्लैक एंड वाइट वाले जमाना नहीं देखी हो, देखा बहुत छोटी हो गया। अच्छा ठीक है, तब वो जो है तो उसमें क्या होता था ना कि शुरुआत जो हुई थी दूरदर्शन का, उस पर मैंने जैसे बताया कि एशियाड से, और उसमें मज़ा तो ये आता था कि एक एंटीना होता था छत पे, ठीक है, और उस पे छत पे एंटीना को अगर थोड़ा सा भी वो हवा तेज आई, कुछ आया, या कौवा उसमें बैठ गया, कोई पक्षी बैठ गया, कुछ भी हो गया ना, तो वो हिल गया। अब हिलने के बाद में वो जो है दूरदर्शन का जो बक्सा होता था टेलीविजन सेट, वो ऐसे ऐसे लकीरें उसमें आती थी, और ये होता था। उसके बाद सब लोग है, रिमोट का ज़माना नहीं था वो समय, ऐसे ऐसे चेंज करते थे घर में, फिर नीचे था उठ के सब चेंज कर, तो फिर मना करते थे, कहते चेंज मत करो, ऐसा नहीं है, खराब हो जाएगा। और कोई बाहरी जो लोग आते थे, हम लोग बच्चे लोग ऐसे ऐसे झांकते थे कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। तब तक होता था कि ऊपर में एंटीना है, तो आधा समय तो लोगों का गुजरता था एंटीना ठीक करने में, मतलब भारी मशक्कत का काम था। एक आदमी ऊपर लगा है, एक आदमी उसे बताने में लगा है, मतलब ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया थी। बिल्कुल हाँ जी तन्वी, और उसमें क्या होता था ना, मजा ये आता था कि पूरे का पूरा परिवार और मोहल्ला लग जाता था, एक आदमी खड़ा होकर देखता था, हाँ 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 ठीक हो गया, ठीक हो गया है, आ रहा है, अरे फिर गड़बड़ हो गया। तो वो सारी चीजें होते थे। तो और सबसे ये होता था कि कुछ जो सीरियल्स थे उस समय, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि वो लगता था कि मेरे और आपके घर की कहानी है। एक सीरियल था, पता नहीं उस याद है कि नहीं, अभी जब कोरोना आया था पिछले साल, तो हम लोग उन सारे सीरियल्स को दूरदर्शन में हाँ रिपीट किया गया था। उसमें था हम लोग, और उस हम लोग को देखने के लिए सब
लोग आके बैठ जाते थे और जब ख़त्म होता था तो कुछ लोग एकदम साइलेंट होके लगता था कि अरे ये तो मेरे घर की छुटकी है, ये मेरे घर की बड़की है। माने कैरेक्टर जो होता था वो इतना कोरिलेट कर लेता था, मतलब अपने आप को हर कोई, कि लगता था कि ये तो मेरे घर की कहानी है। उसमें एक दादाजी आते थे अशोक कुमार, सबसे आके पहले वो बताते तो लास्ट में फिर वो बोलते थे उनका चश्मा पहन के आना, और जब ख़त्म होता था हम लोग उसके बताना कि ये क्या परिवार का महत्व है, और उस तरीके से पूरी कहानी का ये होता था। फिर अगले एपिसोड को लेकर हम लोग ये करते थे, इंतज़ार करते थे। उसके हर एक कैरेक्टर उसमें, जो माँ होती थी घर की, बाबूजी होते थे, वो सारे लोग जो होते थे हमारे और आपके बीच के लोग होते थे लगता था। उसके बाद बुनियाद आया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैंने इतने सारे चंद्रकांता, महाभारत, तो मतलब पूरे मुझे लगता है कि इस तरीके का, मतलब आज तक का दूरदर्शन का इतिहास रहा है कि उतना बड़ा और उतना महान, मतलब आप इतिहास को लाकर आप मतलब जीवंत कर देना, मतलब लगता था कि महाभारत युग को हम जी रहे हैं। और आप सोच के देखिए, आज का बच्चा जिसे मतलब पता ही नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, लेकिन पिछले साल मुझे लगता है कि पैंडेमिक के बाद में उस समय जो था, लोग मतलब दूरदर्शन में लिखते थे कि आप इन सीरियल को दिखाइए, और दूरदर्शन ने उस पूरे जो लॉकआउट पीरियड था, लॉकडाउन था, उस समय पूरा का पूरा सीरियल, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो चंद्रकांता हो, चाहे विक्रम बेताल हो, या हम लोग, मैंने हर तरीके का पार्टीशन जो हुआ, देश का पार्टीशन हुआ उस समय का है बुनियाद तमस, मतलब ये सारे जो है सीरियल्स खान साहब, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आज किसी भी चैनल के पास में ये धरोहर जो हमारा है वो नहीं मिल सकता है। एक से एक आप देखिए कि हमारे पास जो लोक संस्कृति है जी, उसका जो आर्काइव्स हमारे पास में, वो कहीं नहीं है। जन जन तक अगर हम पहुंचते हैं, उस समय कृषि दर्शन, आज भी कृषि दर्शन है, 6:30 में आप देखिए कि जब किसान अपने खेत से लौट के आता था गांव में, चौपाल लगती थी तो उसमें दूरदर्शन का सेट बॉक्स रहता था, और उसमें सारे लोग आके बैठ के वहाँ पे चारपाई लगा के और बैठ के देखते थे। तो उसमें कैसे आप खेती के, आप नई नई शैली आती थी उसको करिए। बिल्कुल, टेलीविज़न का स्वरूप बदला है, ब्लैक एंड वाइट से हम आज कलर में आ गए हैं। बहुत सारी और भी विशेष बातें हैं टेलीविज़न पर करेंगे, लेकिन हमारे साथ आज अर्शद खान जी भी मौजूद हैं। अर्शद जी, आप विशेष तौर से एक समाज सेवी हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं समाज की बेहतरी के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, लेकिन आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि समाज के किन विशेष मुद्दों को आपने उठाया है, किन विशेष मुद्दों पर आप कार्य कर रहे हैं। पहले तो मैं रत्ना मैडम जी का अभी जो डिस्कशन चल रहा था वर्ल्ड टेलीविज़न डे पे, तो मुझे जो अच्छा लगता है, अभी दूरदर्शन ने जो रेट्रो प्रोग्राम शुरू किया है, जितने भी आपने नाम लिया वो सब अभी पुनः जो भी चाहे जिस एज ग्रुप के लोग चाहे तो वो रेट्रो में देख सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी अच्छा लगता है कि जब आप टेलीविज़न को ड्रॉ करना चाहें, इमेजिनेशन ऑफ टेलीविज़न है, तो उसको स्केचिंग करना इतना आसान है, एक स्क्वायर बनाए, दो एंटेना उसमें वी शेप में दे दें, और जो हमारा अपना लोगो है दूरदर्शन का, वो ग्लोब है, सत्यम शिवम सुंदरम है, और उसके बाद जब टीवी स्टार्ट होती है ना, तो 7 कलर जो आता है वो सब एक ऐसा है जो कभी भूल नहीं सकता। बिल्कुल, हम लोग के इसमें चित्रहार भी आता था। बिल्कुल, तो हम लोग चित्रहार देखने के लिए संडे को सुबह मॉर्निंग में सुबह जाग जाते थे कि आज चित्रहार देखना है। तो ये टेलीविज़न से रिलेटेड, मैं जो अभी हूँ वो केएसए में हूँ, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में, तो वहाँ पे जो आपको जैसा पता होना चाहिए कि इंडिया के हाजी लोग जाते हैं वहाँ, तो हर साल जी पवित्र स्थल मक्का मदीना वहाँ है, तो हर साल वहाँ पे 2,00,000 हाजी जाते हैं हिंदुस्तान से। तो वो लोग जो भी जाते हैं, इंडियन हज कमेटी है वहाँ पे, जो एम्बेसी और कौंसुलेट उसकी देखभाल करता है, तो वो तो हर जगह पूरे किंग और सऊदी अरब में नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम लोग जहाँ पे होते हैं, तो हम लोगों का जो विज़न ये है कि अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि अपने हिस्से का एक दिया जलाते चलिए।
तो ये हम लोग करते हैं कि वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, मैं जो काम करता हूँ वहाँ, मैं तो वहाँ लाइवलीहुड के लिए गया था। तो जब मैंने सोचा कि जो काम के अलावा मुझे कुछ वक्त मिलता है, तो जो मुझे वहाँ पे हाजियों का खिदमत करने का मौका मिला, तो जैसे हाजी जाते हैं 2 महीने का ये पूरा प्रोसेस होता है, 2 महीने में हम लोग उनको ये देखते हैं कि कहीं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्सुलेट जो है इंडिया का वहाँ पे जिद्दा में, वो हम लोगों से बोलता है कि आप लोग चूँकि वहाँ पे रहते हैं पवित्र स्थान मक्का में, तो आप लोग ऐसा करें कि जो जितना आपसे हो सकता है, और वो लोग एक आई कार्ड बना करके देते हैं इंडियन पिलग्रिम्स वेलफेयर फोरम करके, तो वो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हाजी हमारे यहाँ से गए, स्पेशली हमारे बिहार से जो हमसे बन पड़ता है, अदर स्टेट के लोग तो काफ़ी एक्टिव हैं, बिहार के लोगों में कमी है थोड़ा इस बात की। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसे वो शाम में फ्री होकर के आते हैं, हम लोग से पूछते हैं कल बैंक जाना है, तो वो चूँकि एक नया कंट्री है और लैंग्वेज बार है, प्रॉब्लम है, क्या खाना चाहिए, और मुझे ATM से पैसा निकालना है, तो फलानी बिल्डिंग कहाँ पे है, कहाँ जाना पड़ेगा, इंडिया का कॉन्सुलेट जद्दा में कहाँ पे है, ये सब परेशानी होती है। तो इंडिया का जो कॉन्टिनजेंट होता है लगभग बहुत 2 लाख+ मेडिकल स्टाफ भी इंडियन गवर्नमेंट भेजती है, तो हम लोग उनको लोकेट करते हैं कि फलाना जगह आप चले जाइए, कोई परेशानी है तो वो लोग वहाँ जाते हैं, मेडिकल भी है और सारी फैसिलिटी इंडिया की तरफ से वहाँ प्रोवाइडेड है, लेकिन उनको गाइड करना हम लोग का काम होता है, ये हम लोग करते हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, यानी किसी नई जगह में लोगों का आप आशा बनते हैं और एक बहुत ही पवित्र और नेक काम का हिस्सा भी बनते हैं। आराधना जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, विभिन्न पदों पर आप दूरदर्शन के आपने एक लंबे अनुभव को जिया है, और जब शुरुआती दौर की बात करें तो टेक्निक जो है इस स्तर पर डेवलप नहीं थी, बहुत सारी नई चीज़ें जब आसानी से उपलब्ध है तब नहीं थी, तो फिर उस समय ब्रॉडकास्टिंग जो होता था एक बड़ी चुनौती रहती होगी आप लोगों के लिए, जानना चाहेंगे वो जो अनुभव था मज़ेदार था या फिर जोखिम वाला था, क्या कहना चाहेंगी? ऐसा है ना तन्वी कि जीवन जीने का अपना एक तरीका होता है कि आप जोखिम को अगर सोचिएगा कि जोखिम है तो वो जोखिम लगेगा, लेकिन बहुत आसानी से बहुत सारा चीज़ आपका ये हो जाता है। जैसे मान लो कि अभी आप लोग दोनों मेरे सामने बैठे हैं और हम लोग दोनों बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा हम लोग कि कहीं आए हैं एक साक्षात्कार देने के लिए, क्योंकि वो आप लोगों ने किया कि आप लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, कहीं लग ही नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, एक बातचीत बातचीत हो रही है जो बातचीत आम हम लोग करते हैं। तो उसी तरीके से था कि उस समय जो था जब दूरदर्शन शुरुआत हुई थी, और पटना दूरदर्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है कि उस समय बहुत बड़ा बड़ा टेप होता था, लाइट्स इस तरीके का नहीं था, एक फिक्स लाइट होता था, कैमरा जो आज दिख रहा जिस तरीके के कैमरा वैसा कैमरा नहीं था, अच्छा प्रोग्राम भी बहुत कम बनता था, आप किसी चीज़ को एडिटिंग की बहुत सारी सुविधाएँ नहीं थी, तो उन सारी परिस्थितियों में कि आप कार्यक्रम एक बनाना है, टाइम बाउंड कार्यक्रम होता था, लेकिन कभी भी किसी ने समय नहीं देखा, बनना है तो एक टीम वर्क है, जोश के साथ, हाँ, काम जोश के लगे साथ और सारे लोग मिलके। यहाँ पे क्या है ना, हमारे विंग्स बटे हुए हैं, जैसे हम लोग प्रोग्राम वाले हैं तो अभी जो प्रसारण हो रहा है वो हम नहीं देख पा रहे हैं कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इसका एक अलग विंग है जो इंजीनियरिंग विंग है, वो लोग जो है इस चीज़ को एयर में और हर घर तक पहुँचा रहे हैं, तो उनका एक काम है इस तरीके से। कैमरामैन का काम है कि वो फोटो, अब मान लीजिए कि मुझसे नाराज़ अगर हैं, आपसे नाराज़ हैं तो हमारा फोटो ख़राब लेंगे, तो उनको हम चाहते हैं कि नहीं भैया आप हमारा फ़ोटो बढ़िया लीजिए तो आप मेरे परिवार के, तो उनको कभी कभी हम लोग होता है कि चलिए चाय वाय पिलाते हैं। तो काम लेने का बहुत आसानी कि आप घर के लोगों से, कभी होता है कि बहुत टफ़ अगर समय गए बहुत लोग आ रहे खाना बनाने के तो आप कैसे काम लेते हैं, जैसे फ्लोर का अलग काम है यहाँ पे, जैसे अभी ये बना हुआ है ठीक है, सेट बना है तो उसका एक अलग होता है, ग्राफिक्स अलग होता है, तो अभी तो बहुत सारी सुविधा है कि कंप्यूटर में आप डिज़ाइन कर सकते हैं, पहले क्या होता था सारा काम हाथ से होता था, कंप्यूटर था नहीं और जानते भी नहीं लोग थे, अब है कि एडिटिंग भी अगर है तो कंप्यूटर में हो जाता है, कैमरा का इतना नया नया टेक्निक्स, और सारे टेक्निक्स जो है सबसे पहले अगर है इस मामले में बहुत गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि दूरदर्शन
जो है बाकी चैनलों से इसलिए अलग है कि यहाँ पे सबसे बड़े मतलब वर्ल्ड का नंबर वन यह संस्था है, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, इतने सारे यहाँ पे विभाग हैं और हर विभाग का अपना अपना एक रोल होता है। तो मुझे लगता है कि उस समय था कि काम करने का जो है सुविधाएं कम थी लेकिन जुनून ज़्यादा था, क्योंकि हमें लगता था कि हम हर दिन नया कुछ सीख रहे हैं। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज भी, उस समय भी, आज भी रेडियो और दूरदर्शन के जो समाचार हैं उसकी विश्वसनीयता, जो आप शुरू में बोली तन्वी, कि दूरदर्शन अगर किसी चीज़ को प्रसारण कर दिया तो इसका मतलब है वो सही है। और इसके मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि 84 में जब इंदिरा गांधी का जो हत्या हुई थी, उस समय पूरे मतलब मैं उस समय ड्यूटी पे थी और मुझे याद है कि लगभग हम लोग के पास न्यूज़ आ गया था, लेकिन वो हम लोग डिक्लेयर नहीं करना था जब तक ऊपर से नहीं आएगा, शाम शाम तक किएगा तो तब तक खूब हल्ला हल्ला हो रहा था, तो कोई मान ये नहीं रहा था क्योंकि तब तक रेडियो और दूरदर्शन ने न्यूज़ किया, बीबीसी ने अपना थोड़ा बहुत ये करा, लेकिन वो भी नहीं न्यूज़ ये करा क्योंकि रेडियो और दूरदर्शन ने समाचार ये नहीं किया था। जब रेडियो और दूरदर्शन न्यूज को दे देता है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक है, इसमें 100% सत्यता है। आज भी आप देखिए पैंडेमिक के समय दूरदर्शन ने जो काम किया है कि जन जन तक वो पहुंच कर कि आप कैसे बचाव कीजिए, कोरोना से बचाव के उपाय, हर कार्यक्रम के अंत में उससे जरूरी बातें जो है कोरोना से जुड़ी हुई, हम और आप जानते हैं, बिल्कुल मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सैनिटाइज का 2 गज की दूरी लीजिए, वैक्सीनेशन आया तो आज देखिए 100 करोड़ से हम ज्यादा हो गए हैं। और इसके क्या है, ये सारा कुछ अगर देखा जाए तो हमारा दूरदर्शन है जो गाँव तक, ये कोई भी दूसरा चैनल नहीं है कि जो गाँव तक गाँव की भाषा में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिहार बिहान, बाकी सारे जगह सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सारा कुछ है, बिहान क्या है, बिहार की भाषा में कि सुबह है, तो हम जन की भाषा को, लोक भाषा को हम जिंदा रखे हैं। हमारे यहाँ मगही है, हमारे यहाँ मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है, इन सारे भाषाओं को हमने जिंदा रखा है। हर भाषा में हमारे कार्यक्रम होता है, बच्चों का कार्यक्रम होता है, नए नए जो जब आप लोग आई थी, आप सोचिए मंच जो है ये दूरदर्शन का था, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग सीखी और आज आप इस लायक हुई हैं कि आज आप यहाँ बैठी हैं। और इसके अलावे बहुत सारे कार्यक्रमों में आप लोग को बुलाया जाता है और बहुत सम्मान के साथ कहा जाता है और आप लोग भी कहती है कि हाँ दूरदर्शन के, और दूरदर्शन की हमारी अगर कोई एंकर या कोई भी गया तो उसको जैसे कहते हैं हथेली पे रखते हैं लोग, बिल्कुल आपकी भाषा, आपका पहनावा, आपके विचार, सब कुछ जो है देखा जाता है, तौला जाता है, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन जो है दूरदर्शन, एक नाम है जी, बिल्कुल, जिसको आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप भी उसको ये करती हैं। तो सोचिए कि हम जिस संस्था से सीखते हैं उस संस्था से हम आगे समाज को देते हैं और उससे हम अपने ज्ञान की भी प्राप्ति करते हैं और आर्थिक रूप से भी हम प्राप्ति करते हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड टेलीविजन डे पे ये कहते हुए कि हम इस टेलीविजन का हिस्सा हैं और हम दूरदर्शन का हिस्सा हैं, हमें बहुत ही गर्व और फख्र महसूस होता है। तन्वी, बहुत ही प्यारी बातचीत हो रही है हमारे आज के खास, दोनों ही खास मेहमान से। हमारे साथ अर्शद जी भी जुड़े हैं। अर्शद जी, आपने अभी जिक्र किया कि आप जो भी तीर्थ यात्री हैं, जो हज बहुत ही पवित्र एक जगह है, पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है जहाँ पर जाते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी अगर कोई भी यात्री या कोई भी व्यक्ति जाना चाहे, अपनी इस मनोकामना को पूरा करना चाहे, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, कैसे आप लाभ उठा सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे किसी भी मेथड से वो हमको एक्सेस या अप्रोच नहीं कर सकता है। वो जब वहाँ जाएगा तो एम्बेसी उन लोगों को इन्फॉर्म करती है, जो दूतावास है या कॉन्सुलेट है वो इन्फॉर्म करता है कि आप जहाँ पे हैं, ये हमारे एनजीओ हैं, इनसे आप कॉन्टेक्ट करें और ये नाम है, ये टेलीफोन नंबर, लोकल टेलीफोन नंबर वो लोग प्रोवाइड करते हैं अपने तीर्थयात्री को जो हज पे जाते हैं मक्का में और मदीना में। चूँकि मैं मक्का में हूँ तो मक्का का जितना भी काम होता है थ्रू एम्बेसी, दूतावास, मैं ही देखता हूँ और वो लोग बोलते हैं कि चलिए ये नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया आपका, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो 24/7
हम लोग वहाँ अवेलेबल हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और वहाँ जाते हैं और देखते हैं। वहाँ पे भारतीय हुकूमत ने एक बहुत सारा वहाँ पे होटल लिया हुआ है जो तीर्थयात्री जाते हैं, तो उनको वहाँ ठहराया जाता है 40 डेज के लिए। तो उन लोगों को बहुत सारी परेशानी उस 40 डेज में आती है। तो कौंसुलेट के तो जो एक लिमिटेड स्टाफ्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो तो 50-60 हैं, तो वो लोग तो 2 लाख लोगों को कैटर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को वो हेल्प लेते हैं कि आप लोग अपने टीम के थ्रू जहाँ जहाँ कोई परेशानी होती है जाएं और हेल्प करें। हम लोग जाते हैं, हेल्प करते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है, एम्बुलेंस आने में लेट हो जाता है, किसी के साथ कोई घटना घट गई, गिर गए सीढ़ी से, तो हम लोग अपनी गाड़ी से प्रोवाइड करते हैं और उनको लेकर के हॉस्पिटल तक जाते हैं और उनको एक ब्रिज का काम करते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं जी। और उनको बताते हैं कि किस होटल में आप खाना खाएं, जहाँ इंडियन टेस्ट मिलेगा, तो ये सब उन लोगों को अच्छा लगता है। रत्ना जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, अपने बहुत सारे प्यारे सुखद अनुभव हमारे साथ साझा किए। अगर हम बात करें टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न हमें सूचना, ज्ञान, मनोरंजन तीनों ही देता है। लेकिन जो अगर हम धारावाहिकों की बात करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों की बात करते हैं जिनका एक बहुत छाप, गहरा छाप हमारे मन मस्तिष्क पर रहा है, पड़ा है, धारावाहिकों का भी स्वरूप बदलता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, एक बनावटीपन सा नहीं आ गया? हाँ, एकदम सही कह रही हो प्रेरणा। जैसे कि अभी अर्शद साहब ने भी कहा कि रिट्रो जो पिछले बार हम लोग दिखा रहे थे, जो हमारे पुराने प्रोग्राम हैं, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड, क्योंकि ये जो नया जनरेशन है वो लोग देखे ही नहीं कि पहले की दुनिया, पहले के लोग, पहले का रहन सहन वो कैसा था या हमारी संस्कृति कैसी थी। बच्चे जो हैं अब जो है मोबाइल की दुनिया में आ गए हैं। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन हर समय समाज के लिए या देश के लिए बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है कि समय के साथ हम लोग को चलना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से उस समय के जो धारावाहिक होते थे, और मुझे लगता है अरशद साहब आपको भी याद होगा, क्योंकि जब आपने उन सारी बातों को कहे कि उस समय दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल था और अब तो दूरदर्शन के बाद मेट्रो आया, मेट्रो के बाद में अब तो है कि डीडी न्यूज़ से लेके उसके बाद में आप इंटरनेशनल जो है दूरदर्शन का आप देख सकते हैं, डीडी किसान आया, डीडी फिर हमारे उसमें जो है कि जो हमारे आर्काइव्स के लिए है डीडी भारती आया। तो उस तरीके से बहुत सारे विभाग बटे जिसमें आप दूरदर्शन के जो पुराने कार्यक्रम हैं और नए जो लोग आ रहे हैं, नए हमारे जो कलाकार हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके भी आर्काइव्स हमारे यहाँ ये करते हैं। जैसे कि प्रेरणा दर्मा भी बता रही थी ना कि पुराने जो सीरियल थे वो आम जीवन के लोगों से जुड़े हुए होते थे। तमस जो है भीष्म साहनी का सीरियल रहा है, तो उस तमस में पार्टीशन का जो दिखाया गया है उसको देखने के बाद रोंगटे खड़े होते थे कि हमारे जो लोग यहाँ पे आके पार्टीशन के बाद बसे हैं उन्होंने क्या क्या दिन देखा और कैसी कैसी यातनाएं सही, देश आज़ाद अगर हुआ तो कितने सारे समस्याओं को जूझने, कितने हमारे सैनिक कितने परिश्रम करके देश को हमने आज़ाद किया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये एक सीरियल चला था अरशद साहब आपको याद होगा, जिसमें हम लोग ने सीखा कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश में बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं जानते थे। उसमें पूरा दिखाया गया, पूरे भारतवर्ष की जर्नी एक एक एपिसोड में दिखाया गया, एक एक प्रदेश के माने साहित्य से लेकर वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, सारी चीज़ों, खान पान कैसे है, हमारे जो पहले का वो जो था भारतवर्ष का ये था, तो ये सारी चीज़ें थे। मालगुडी डेज याद होगा उसको, अच्छा दूरदर्शन का जो सिग्नेचर ट्यून था, मुझे आज भी आंख बंद करने से वो सिग्नेचर ट्यून मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते 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 घूमते, और वो मुझे लगता है जैसे ही होता था सबके सब लोग हो जाते थे कि ये टाइम हो गया है जी। और उसके बाद में जो आती थी चित्रहार, जैसे इन्होंने बोला चित्रहार तो संडे का जो होता था, शुक्रवार का रात को, रात में जी होता था, तो बैठ के अच्छा क्या होता था चित्रहार में, वही सारे फिल्मों का गीत दिखाया जाता था जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। जो सीरियल्स आते थे वो परिवार के साथ, बच्चे लोग बैठे हुए, माँ बाप दादा दादी सब लोग बैठे हैं,
आज का जो है रियलिटी से दूर यहाँ दिखाया जाता है, जो आपको खुद आश्चर्य लगेगा कि जिस तरीके से परिधान है, जिस तरीके का कथानाक है, उन सारे चीजों में आपको लगेगा नहीं कि कुछ है, ये लगेगा नहीं, नहीं कर पाता है। जो महिलाएं हैं वो लगता है 24 घंटे गहने पहन के, और क्या होता है ना कि परिवार में फिर उस तरीके का भाव आता है कि देखिए वो इतना सारा गहना है, उसके पति इसको इतना ये कर रहे हैं, आप हमें नहीं दे रहे। या सामान दिखाया जाता है, वैभवशाली मकान, वैभव, ये सारा कुछ, या कह सकते हैं कि गलत प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे जो हैं उनके साथ में दिखाया जाता है कि उस तरीके का जो है, हम लोग के समय में क्या होता था, दोस्त को दोस्त के तरीके से हम लोग देखते थे, अब जो है कि वो फ्रेंड्स जो है वो एकदम गलत तरीके से उसको दिखाया जाता है। तो स्वरूप जो है समाज का, जो जिस तरीके से बदलाव ला रहा है बाकी चैनल्स में या धारावाहिक, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है परिवर्तन की। और देखिए क्या इसमें हम भी जिम्मेदार हैं। क्या होता है ना, टीआरपी जो आजकल हो गया है ना, टीआरपी की रेस, उसमें क्या है, दूरदर्शन टीआरपी में नहीं है, दूरदर्शन अपने व्यवहार में है, रियलिटी में है। हाँ, रियलिटी में है। हम कहीं भी किसी दौर में नहीं है, हम अपने कछुआ के चाल में हम धीरे 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 करके चल रहे हैं, और हमारे सारे चीज़ों को दूसरे चैनल्स लेते हैं और सीखते हैं। एक चीज़ बताइए तन्वी, आप बहुत सारे चैनल्स को देखती हैं, कहीं भी आपने देखा है कि बच्चों का कोई कार्यक्रम होता है, कहीं महिलाओं का कार्यक्रम होता है? एक ही चैनल पे नहीं, हाँ, इसके लिए अलग अलग चैनल, अलग अलग चैनल हो सकते हैं, लेकिन एक ही चैनल पे सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए नहीं। गांव तक सरकार की जितनी योजनाएं हैं आप देखिए आज सबके पास में है, चाहे वो आपका जो खेती से संबंधित हो, या जो उज्ज्वला योजनाएं हैं महिलाओं का, जो क्या मतलब सोच के देखिए जीवन को बदल दिया सरकार का जो एक एक है, फिर जनधन योजना, उसको देखिए सरकार की नई नीतियों के बारे में भी लोगों तक पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा, लोग जागरूक है, आज जाके डिमांड करते हैं कि सरकार हमको ये राशन दे रही फ्री की। और आज जो है आत्मनिर्भर भारत बनने की बात, लोकल से वोकल और वोकल से लोकल करने की बात, स्किल इंडिया, स्वास्थ्य पर ध्यान चाहेंगे, स्वास्थ्य पे जी जी रत्ना मैडम ने जैसे कहा, वो तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि जब हम लोग कहीं भी दुनिया दिन भर का काम करके घर पे आते हैं, तो अगर टेलीविज़न जिस दिन हम लोगों ने नहीं देखा तो ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, उसको रिपीट करने के लिए सेकंड डे भी देखेंगे लेकिन 5 से 10 मिनट देख ही लेंगे, तो आपकी जो थकान है वो ख़त्म हो जाती है। ये सबसे अच्छी बात है दूरदर्शन की और सारे टेलीविज़न की, यानी कह सकते हैं कि रोज़मर्रा में शामिल है, उसके बिना एक खालीपन लगता है। बिल्कुल अर्शद जी, हम कार्यक्रम में वक्त तो चला अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहूँगी, जितने भी हज यात्री हैं, अगर जिन्होंने ऐसी सोच रखी है कि उनकी ये इच्छा है, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? जिन्होंने सोच रखी है वो जब भी वहाँ हिंदुस्तान से वहाँ जाएंगे जी, तो जब तक मैं वहाँ पे हूँ, और अगर हम ना भी रहेंगे तो उन लोगों का एक सिस्टम है जो हमारे बाद कोई भी होगा उसको वो लोग डिप्यूट करेंगे और उनका भी नंबर प्रोवाइड करेंगे और वो लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तो हम मैं वहाँ पे हूँ, तो जब भी कोई यहाँ से तीर्थ यात्री जाएँ या जाएंगे फ्यूचर में, अभी तो थोड़ा पैंडमिक की वजह से 2 साल से तो तीर्थ यात्रा बंद है, जब ये खुलेगी, उम्मीद है कि 2022 से खुल जाएगी नेक्स्ट ईयर, तो लोग जाएंगे। लेकिन इस बार लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया है कि अबव 65 ईयर्स नहीं जा सकते हैं, एवब 65 ईयर्स नहीं जा सकते हैं, या जो भी सरकार की उस वक्त निर्देश दिए जाएंगे आप उनका पालन करेंगे, और हमारे जो आज के खास मेहमान हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप दोनों खास मेहमान हमारे कार्यक्रम में आए, अपना इतना कीमती वक्त दिया, बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। जी हाँ दर्शकों, बिहार बिहान में आज के दिन को बेहद खास बनाया हमारे आज के दो खास मेहमानों ने, लेकिन हमारे लिए उससे भी खास पल वो होता है जब आपके प्यास से पगे पत्र हम तक पहुंचते हैं, और उन पत्रों को हम तक पहुंचाने के लिए बेहद ज़रूरी हो कि हमारा पता हो आपके पास, तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, पटना फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर डीडी के पटना @gmail.com।